तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मोन टैक विद वन मोर अनबॉक्सिंग वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्स करने वाले हैं एक बड़ा सा प्रोडक्ट जो अभी आपके सामने भी आप देख नहीं सकते हैं। तो इतना बड़ा ये प्रोडक्ट होने वाला है। तो इसको अनबॉक्स करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारी इस मंथ की रिचार्ज स्कीम की लास्ट वीडियो है। तो जिसने अभी तक हमारे वीडियो के नीचे कमेंट ना किए हो, लाइक ना किया हो और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो के अंदर हम अनाउंस करने वाले हैं हमारे विनर को और उसके बाद उसका एक मंथ का रिचार्ज किया जाएगा। तो क्या अनबॉक्स करने वाले हैं, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं डिजिटेक की तरफ से एलईडी रिंग लाइट आती है DRL14C के नाम से और एक लाइट स्टैंड के साथ में आती है। तो चलिए अनबॉक्स कर लेते हैं। तो अब आपके सामने है इसका बॉक्स। तो इसके मेन बॉक्स को अंदर से निकालते हैं, इसको रख देते हैं साइड में और अब आप इसको एक बार करीब से देख लीजिए। वैसे तो लगभग सारे डिटेल्स जो हैं इस बॉक्स के ऊपर लिखी हुई हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट का नाम है वो है डिजिटेक की तरफ से DRL14C। 14 इंच का ये साइज़ है इसका। पावर आउटपुट की बात करें तो 30 वाट की आउटपुट आपको मिलेगी। लुमिनेंस की बात करें तो 2700 LM की लुमिनेंस आपको इसके अंदर मिलने वाली है। लाइट के अंदर का जो डायमीटर है वो है 230 mm और जो बाहर का जो डायमीटर है वो है 310 mm। वेट जो है इसके अंदर वो है तकरीबन 450 ग्राम। और अगर हम बात करें कलर टेम्परेचर की तो 3200 से 6500 K का कलर टेम्परेचर आपको इसके अंदर मिलता है। अच्छी बात यह है कि आपको इसके साथ में भी जो स्टैंड मिलने वाला है वो भी डिजिटेक का ही है, ये आप देख सकते हैं। अभी के लिए इसको साइड में रख देते हैं और हमारे रिंग लाइट को निकाल लेते हैं। तो बॉक्स है अब खाली, इसको निकाल लेते हैं अब बाहर। वैसे मैं आपको बता दूं जो 30 वाट की जो आउटपुट है ये आपको रिंग लाइट जो है देने वाली है, 30 वाट की आउटपुट है इसकी और ये रंगीन नहीं है, सिर्फ 2 से 3 कलर्स इसके अंदर हैं। जो रंगीन आती है कलर वाली वो इससे 200-300 रुपये एक्स्ट्रा जो है उसके लगते हैं, लेकिन मेरे पास जो RGB है वो पहले से ही पड़ी हुई है तो इसलिए मैंने जो नॉर्मल है ये मंगवाई है। तो अब आप इसको देख सकते हैं इसकी लुक जो है वो कैसी है। ये यहाँ पे मोबाइल होल्डर जो है आप इसको इधर उधर भी कर सकते हैं और रिंग लाइट से डिटैच भी कर सकते हैं। तो ये अब आ गया आपके सामने स्टैंड, अब इसको ओपन कर लेते हैं। इस स्टैंड का वेट है 550 ग्राम और ये 5 किलो तक वेट जो है वो होल्ड कर सकता है। तो ये आ गया बाहर, डिब्बे को फेंक देते हैं साइड में। इसको एक बार करीब से देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से खुलेगा ये। यहाँ पर जो ये है इसको नोब को आपको थोड़ा ढीला करना है ताकि जो स्क्रैच है वो ना लगे स्टैंड के ऊपर, और फिर आपको इसे अच्छे से टाइट जो है वो कर देना है। अब एक एक करके सारी नोब को हम खोलेंगे। 3 नोब इसके ऊपर दी गई है और ये एक जो नोब है नीचे की साइड है जो कि टांगों को सपोर्ट करती है। ध्यान से एक बार देख लीजिए, डिजिटेक की ब्रांडिंग भी आपको दिख रही होगी स्टैंड के ऊपर ही। अब हम इसको कर लेते हैं लंबा, ये आप देखिए ऐसे निकलेगा। ये निकाला और नोब को टाइट कर दिया। एक एक चीज़ बड़ी डिटेल से बता रहा हूँ ताकि कोई नया हो तो उसे खोलने में कोई परेशानी ना हो। एक एक करके हमें इनको खोलना है और दोबारा से जो टाइट है वो करते जाना है, जैसे कि जो पूरा जो पाइप है वो बाहर निकल जाए कुछ इस तरीके से। अभी हमें इसको टाइट कर देना है। तो इस स्टैंड की जो हाइट है वो तकरीबन पूरी 5 फीट है। मेरी जो हाइट है वो 5'8" है, तो ये आप देख सकते हैं इसकी हाइट 5 फीट की है। और ऊपर जो है ये कैप दी गई है, इसको हमें जो है वो खोल लेना है क्योंकि इसके ऊपर ही हमारी जो रिंग लाइट है वो माउंट होगी, वो लगाई जाएगी। तो इसको हमने खोल लिया। अब ये है आप देख सकते हैं, इसकी मदद से यहाँ पे जो है स्टैंड लगेगा और इसकी मदद से आप जो है रिंग लाइट को इधर उधर जो है आगे पीछे की साइड झुका सकते हैं या घुमा सकते हैं। और ये यहाँ पर जो है आप इसको रिंग लाइट से भी अलग कर सकते हैं। अब हम इसको दोबारा लगा लेते हैं। इसको आप किसी भी और स्टैंड के ऊपर भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास कोई अम्ब्रेला लाइट का या फिर मोबाइल स्टैंड जो आपके पास अच्छा सा अगर कोई पड़ा है तो आप अकेले रिंग लाइट को मंगवा सकते हैं। अब हम इसको लगा लेते हैं ऊपर। रिंग लाइट लगने के बाद ही इसको लगाया तो ही अच्छे से लगा, अकेले जब मैं इसको लगा रहा था तो ये ठीक से लगा नहीं। तो मैंने रिंग लाइट के ऊपर इसको फिट किया और फिर इसको जो है ट्राई किया तो अच्छे से लग गया। अब खोल लेते हैं इसको एक बार, जो लुक है वो इसकी देख लीजिए कैसी लगी, थोड़ा टाइट कर लेते हैं।
अच्छे से आप देख सकते हैं। अब इसको आप किसी भी साइड में टिल्ट कर सकते हैं, झुका सकते हैं। अब हम जहाँ भी आपको करना है वहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको टाइट कर लीजिएगा। अब एक बार इसकी जो लुक है वो देख लीजिए ध्यान से। एक एक चीज़ जो है वो मैंने काफ़ी डिटेल से बताई है, हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो गई, लेकिन डिटेल से बताना ही मैं जो है ज़रूरी समझता हूँ। ये आप देख सकते हैं पीछे की साइड से, थोड़ा टाइम बेशक लगे लेकिन जो जानकारी है वो पूरी मिलनी चाहिए, इसलिए सभी जो बातें हैं हम डिटेल से करते हैं। इसको नीचे की साइड भी आप देख सकते हैं, ये इसकी बैक साइड है रिंग लाइट की, तो कुछ इस तरह की ये दिखाई देगी इस साइड से। तो अभी हमने हमारी रिंग लाइट को लगाया है पावर में, ये आप देख सकते हैं अडैप्टर हमने लगा दिया, वो वहाँ पे लगा है। तो यहाँ पे लाइट जो है वो जल रही है ऑन ऑफ के बटन के ऊपर। चार बटन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, एक ऑन ऑफ का, एक नेगेटिव का, एक रोटेशन का और एक मिलेगा आपको एक पॉजिटिव वाला। तो जो ऑन ऑफ वाला है इससे आपकी जो लाइट है वो ऑन होगी और ऑफ होगी। आप वहाँ से देख सकते हैं स्विच जो है वो ऑन है और लाइट इसके अंदर आ चुकी है, लाइट जो है वो रिमोट के अंदर आ चुकी है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है अभी तक बंद है। अब हम इसको पावर वाले बटन को दबाएंगे तो लाइट जो है वो जल गई है। नेगेटिव वाले बटन की बात करें तो इससे आप ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसे। पॉजिटिव वाले से इसको दोबारा बढ़ा सकते हैं ऐसे, और अगर हम रोटेशन वाले की बात करें तो ये जो बटन है आपके सामने इससे हो गया कलर चेंज, ये हो गया बिल्कुल येलो, और ये इसकी फुल ब्राइटनेस है। तीन जो कलर मोड है इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, एक येलो वाला, दूसरा ये और तीसरा ये वाला। तो एक येलो वाला ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये प्योर वाइट है बिल्कुल, और ये हो गया थर्ड। एक दो तीन। तो अब हम कर लेते हैं लाइट्स ऑफ। तो ये आप देख सकते हैं मैंने जो सारी लाइट्स हैं वो ऑफ कर दी हैं स्टूडियो की, अभी जो है इसको हम ऑन करते हैं। तो अभी आपके सामने है इसकी येलो लाइट और ब्राइटनेस इसकी फुल है, कम भी हम इसको कर सकते हैं, देखिए आप देख भी सकते हैं यहाँ तक कम हो जाती है, और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम ब्राइटनेस ये है इसकी। अब हम कर लेते हैं इसको चेंज, कलर चेंज करते हैं। एक ये है वाइट सा, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कैसी शूटिंग हो रही है। अभी जो थोड़ी देर पहले जो लाइटिंग आप देख रहे थे जब मैंने बोला कि लाइट्स ऑफ करते हैं, उस समय पर मेरे सामने 2 9 वाट के जो हम बल्ब यूज़ करते हैं वो लगे हुए थे। अब जो अकेली रिंग लाइट है हमारी सिर्फ ये चल रही है, इसकी भी ये जो वाइट कलर में ये आप फुल देख सकते हैं, जो मैक्सिमम ब्राइटनेस है ये है वाइट कलर की, और ये थोड़ा हल्का ब्लूइश सा आपको लगेगा थोड़ा, देख सकते हैं आप। इसको भी हम डिम फुल करके देख सकते हैं, जो मिनिमम ब्राइटनेस है इसकी इस कलर में ये होने वाली है और मैक्सिमम ये होने वाली है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो तीन कलर इसके अंदर हैं, एक जो अभी आपके सामने है ये बिल्कुल येलो, सेकंड ये है बिल्कुल प्योर वाइट है ये, और थर्ड है ये हल्का ब्लूइश जो आपको लगेगा, हल्का ब्लू ब्लू सा थोड़ा आपको लगेगा वाइट के साथ में। तो आप चाहे इसमें भी शूट कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, या फिर इसमें कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो है टोटल लाइट जो है रिंग लाइट की आपके सामने है, यदि कि अगर आप इतनी दूरी पर खड़े होकर भी अगर आप वीडियो बनाते हैं तो ऐसी लाइट आपको मिलेगी, लेकिन थोड़ा नज़दीक से अगर आप बनाते हैं तो और बेटर रहेगा, जो बिल्कुल साफ आएगा, बिल्कुल सफाई आपको देखने को मिलेगी और किसी अन्य लाइट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली अगर आप इतनी करीब से वीडियो बनाते हैं तो। हाँ, अगर थोड़ा दूर आप जाते हैं तो ये आप देख सकते हैं, थोड़ा दूर जाके इसकी जो क्लैरिटी है वो ज़्यादा नहीं मिलेगी। अगर आप दूर बैठ कर अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको साथ में जो आपके रूम की लाइट है वो जलानी होगी, जैसे कि अभी हम जलाएंगे। तो ऐसे ही अगर आप दूर जाकर बनाते हैं तो आपको ऐसे अपने रूम की लाइट्स भी ऑन रखनी पड़ेंगी, या फिर अगर आपके पास में 2 अलग से लाइट्स हैं, आपके पास रिंग लाइट 2 हैं, या फिर अम्ब्रेला लाइट आपने लगा रखी है, क्योंकि स्टूडियो के अंदर ज़्यादातर जो है 2 लाइट्स ही हम यूज़ करते हैं, जब कोई यूट्यूब के लिए या फिर वैसे हम जो प्रोफेशनल अगर हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो मेनली हम 2 लाइट्स का यूज़ करते हैं। तो अभी आपने देखा कि डिजिटेक की DRL14C जो है
वो कितने बड़े स्टैंड के साथ में आती है, कैसी लगती है, कैसा रिजल्ट है, उसका सभी बातें हमने की। अब हम थोड़ी ज़रूरी बातें भी कुछ कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको इसके साथ में मिलेगा USB पोर्ट। आपको एक अडैप्टर की अलग से ज़रूरत पड़ने वाली है, हालांकि सबके पास मोबाइल हैं तो अडैप्टर तो आपके पास नॉर्मल सी बात है होगा ही, तो उसमें लगा के आपको इसे जलाना होगा। दूसरी बात हम कर लेते हैं कि अगर आप रील्स वगैरह बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, तो कोई बात नहीं, आपका काम ये बड़ी आसानी से कर देगी। लेकिन अगर आप एक YouTube वीडियो क्रिएटर हैं या फिर प्रोफेशनल क्रिएटर की अगर हम बात करें, तो आपका एक रिंग लाइट से काम नहीं चलने वाला है। जैसे कि अनबॉक्सिंग का हमारा चैनल है, अभी आप देख सकते हैं, हमें काफ़ी सारी लाइटिंग की ज़रूरत होती है, एक लाइटिंग लेफ्ट साइड से, एक राइट साइड से, तो रूम की जो लाइट्स हैं उनकी भी हमें ज़रूरत होती है। ठीक उसी प्रकार अगर आप भी एक वीडियो क्रिएटर हैं तो आपको भी 2 से 3 लाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास में सिंगल रिंग लाइट है तो आप अच्छे से अपनी वीडियो क्रिएट नहीं कर पाएंगे। हालांकि मैं बोलूँगा कि अगर आपको एक ही लाइट यूज़ करनी है तो आपको इसका जो बड़ा मॉडल आता है 18 इंच वाला, तकरीबन 3500-3600 रुपये के आसपास पड़ता है, तो आपको वो मंगवा लेना चाहिए अगर आप सिंगल लाइट यूज़ करना चाहते हैं तो। अदरवाइज आपको 2 लाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक ये हो गई, या तो आप 2 रिंग लाइट ही मंगवा लीजिए, या फिर आप जो है एक अम्ब्रेला इसके साथ में मंगवा सकते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे ही किया है, एक अम्ब्रेला मेरे पास है और एक जो ये रिंग लाइट है ये मेरे पास है, साथ में जो रूम की लाइटें हैं वो जलती हैं। नॉर्मल सी बात बस ये है कि आप अगर प्रोफेशनल वीडियो क्रिएटर हैं तो आपको सिंगल रिंग लाइट से आपका काम नहीं चलने वाला। तो दूसरी चीज़ है इसका प्राइस, कि किस प्राइस के अंदर हमने इसको मंगवाया। तो अभी आप देख रहे होंगे वीडियो शनिवार है, आज सैटरडे है, तो कल तक की आई थिंक 6 तारीख तक की जो सेल है वो फ्लिपकार्ट के ऊपर चल रही है, वहीं से हमने इसको ऑर्डर किया है। वैसे तो इसके जो प्राइसेज हैं वो तकरीबन 1300-1400 रुपए के आसपास रहते हैं, लेकिन हमने इसको 999 रुपीज के अंदर ऑर्डर किया है, प्लस जो 3 रुपये है वो फ्लिपकार्ट की तरफ से जो चार्जेज हैं वो लगाए जाते हैं, यानी कि मुझे ये पड़ी है 1002 रुपये की। तो प्रोडक्ट आपके सामने हैं, सभी डिटेल्स हमने इसके अंदर साझा की, आपको कैसी लगी वो बता दीजिएगा। अगर कोई साथी इसको खरीदना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी लिंक मुझसे मांग सकते हैं, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप इसको जाके परचेज कर सकते हैं। अगर हम हमारे होनेस्ट रिव्यू की बात करें तो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, और 1000 रुपये के अंदर इतने अच्छे ब्रांड का जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है, तो अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो अभी आपको सेल के अंदर इसको ले लेना चाहिए। हाँ, अगर जो साथी 6 तारीख तक ये सेल चलने वाली है, जो इसके बाद इसको देखते हैं, तो दिवाली पर फिर सेल आने वाली है, तो उस सेल के लिए आप रुक सकते हैं, जैसे ही दिवाली के ऊपर सेल आएगी तब आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, तो हो सकता है कि इसका जो प्राइस है वो थोड़ा और ड्रॉप हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई अनबॉक्सिंग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।